नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। हिसार सिकंदराबाद यात्री ट्रेन में सवारियों से हुई लूटमार, आबू रोड से मारवाड़ जंक्शन के बीच हुई वारदात, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत, कई जगह मुकाबला सीधा तो कई जगह फंसा पेच। राजसमंद के लक्ष्य जोशी एयरफोर्स में शामिल, सरदारगढ़ में हुए आतिशी स्वागत, सफलता के श्रेय माता पिता और गुरुजन को दिया। और वित्तीय अधिकार छीन जाने पर सरपंच हुए लामबद्ध, जगह जगह पंचायतों पर तालाबंदी कर जता रहे हैं विरोध। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चलती ट्रेन में लूटमार की। प्रदेश के मारवाड़ जंक्शन पर शुक्रवार सुबह सिकंदराबाद हिसार साप्ताहिक ट्रेन में अज्ञात लुटेरों ने यात्रियों को निशाना बनाया। आबू रोड से यात्री ट्रेन रवाना हुई थी। सुबह करीब 5 बजे मारवाड़ जंक्शन और आबू रोड के बीच ट्रेन में यात्रियों के साथ जमकर लूटपाट हुई। बाद में जैसे ही यात्री मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे तो लूटपाट करने वाले के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा हुआ। सूचना मिलते ही जीआरपी थानाधिकारी, आरपीएफ थानाधिकारी और सीटी थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और यात्रियों से समझाइश की। इस बीच करीब 2.5 घंटे ये ट्रेन मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर खड़ी रही। अधिकारियों द्वारा यात्रियों को आश्वासन देने के बाद वहां से ट्रेन को रवाना किया गया। वहीं क्षेत्र में यात्री ट्रेनों में बढ़ रही लूटमार की घटनाओं के मद्देनजर जीआरपी पुलिस अधीक्षक ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए और जाप्ता घटनास्थल की ओर रवाना किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रानी के निकट भगवानपुरा में कुछ अहम सुराग पुलिस को हाथ लगे हैं। वो अपने बनास है बाबू रोड के पास में, वहाँ कोई चोरी हुई है। 4-5 से कंप्लेंट दी है और वो सब कुछ जारी है। अभी जा रहे हैं, लोकेशन वगैरह निकाल रहे हैं। एक मोबाइल की लोकेशन आई है भगवानपुरा की तरफ, वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ जाप्ता पहुँच भी गया, एक टीम पहुँच गई, दूसरी टीम और जा रही है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये कितने बजे घटना है सर? ये 4 बजे के आसपास गया, आबू रोड से बनास के पास। संभाग के भीलवाड़ा जिले में कोविड वैक्सीन टीकाकरण के चौथे चरण की शुरुआत मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर शलभ शर्मा और महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गोड़ ने टीका लगवा करके। आपको बता दें कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में कुल 900 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके लगने हैं और अब तक 300 में से 200 स्वास्थ्य कर्मियों के टीके लगा दिए गए हैं, जिनमें अब तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गोड़ ने कहा कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी कोविड वैक्सीन टीकाकरण लगवाने के लिए उत्साहित हैं। कोविड वैक्सीन टीकाकरण में भीलवाड़ा 100% है। महात्मा गांधी चिकित्सालय में 900 लोग रजिस्टर्ड हैं और हमारे यहाँ आज ये 4th सेशन है। पहले 300 जनों ने टीके लगाने थे, उसमें से 294 लोग हमारे यहाँ टीके लगा चुके हैं। हमारे यहाँ लगभग 100% लोग टीकाकरण के लिए आ रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों में, सफाई कर्मियों में, लैब टेक्नीशियन में, डॉक्टर्स में, नर्सिंग स्टाफ में एक उत्साह है कि हम कोरोना की जंग जीत रहे हैं। और मेरे यहाँ सभी कर्मचारी लगातार आ रहे हैं और हमारे यहाँ टीकाकरण की जो रेट है वो काफ़ी अच्छी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी तक हमारे यहाँ भीलवाड़ा में कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को नहीं हुआ है और आज ग्रेजुअल प्रोसेस है। मैंने और प्रिंसिपल साहब ने भी आज टीका लगाया है। पहले हमने हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को टीके लगवाए क्योंकि सब लोग एक साथ टीका नहीं लगा सकते थे, 100 लोगों को एक ही दिन में लगाना था। आज हम लोग भी टीका लगाया और ये एक प्रोसेस है जिसको हम जल्दी कम्प्लीट कर लें। प्रदेश में निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। नामांकन उठाने की मान मनोबल के बाद कई वार्डों में कांटे की टक्कर है तो कई वार्डों में मुकाबला रोचक हो गया है। इसी कड़ी में भीलवाड़ा में भी नगर परिषद चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस और भाजपा सहित निर्दलीयों ने भी कमर कस ली है। प्रत्याशी दिन रात एक करके जनसंपर्क कर रहे हैं तो मतदाताओं को रिझाने का हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं मतदाता भी पशुपेश में दिखाई दे रहे हैं कि मतदाता अंदर से तो जानते ही हैं, जो अभी उनके घरों के चक्कर काट रहे हैं वे 5 साल तक मुड़कर नहीं देखेंगे। और खबर संभाग में एक बार रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज। सीखो
Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहां पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसएस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से एक ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आए हैं शहर के नजदीक कन्वर्ट आवासीय प्लान, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत कम दाम में अच्छे प्लॉट। साथ ही ग्राहकों के लिए उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है एक सुनहरी स्कीम, जिसमें 11 महीने में लकी ड्रॉ के माध्यम से निकाले जाएंगे 99 प्लॉट। साथ ही अन्य निवेशकों के निवेश का भी रखा गया है ध्यान। लकी ड्रॉ में नाम नहीं आने पर निवेशकों को दिए जाएंगे घरेलू प्रोडक्ट्स, जिनमें शामिल है 32 इंच LED TV, 185 लीटर का फ्रिज, 5 सीटर सोफा सेट और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये सभी ब्रांडेड हैं और इनके एक एक प्रोडक्ट ऑफिस में उपलब्ध हैं। निवेशक निवेश करने से पहले ऑफिस विजिट कर योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे ऑफिस का पता है 212 सेकंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर, या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। सारिका मोबाइल नंबर 9549475305, रमन सिंह मोबाइल नंबर 9829611193, शुभम सिंह मोबाइल नंबर 7877824848। क्रेविंग फॉर समथिंग डिलीशियस? वॉन्ट टू डिलीवर योर क्रेविंग्स? तो अभी ऑर्डर करें 2020 फूड किचन से, जहां हाइजीन के साथ साथ रखा जाता है आपकी सेहत का पूरा ख्याल। ऑर्डर करें और घर बैठे लुफ्त उठाएं लाजवाब मन पसंदीदा खाने का। 2020, the taste of 2020। आप ऑर्डर कर सकते हैं हमें हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8686142020। ऑर्डर नाउ 2020, the food kitchen।
अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित दो मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटी, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ एक टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट, एक बार पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवा कर सोफा बनवाई। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना, आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रताप नगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10,00,000 रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा, आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेद ही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM यानी के कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1,000 से बुकिंग करवा कर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11वां 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD
180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ, 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक भी मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर दीजिए। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है लेकिन हम ब्रांडेड आइटम ही आपको देंगे। धन्यवाद, जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11-99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम सन सिटी सफलता से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट रेती स्टैंड उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजसमंद के आमेज ब्लॉक के एक छोटे से कस्बे सरदारगढ़ के युवक लक्ष्य जोशी ने एक नया गौरव दिलाकर कस्बे के साथ पूरे जिले का नाम गौरवान्वित किया है। लक्ष्य का वायुसेना में चयन हुआ है, उसे एयरफोर्स में कॉमन एडमिशन टेस्ट में सफलता मिलने के बाद अपने गाँव पहुंचने पर जोरदार नागरिक अभिनंदन किया गया। बचपन से प्रतिदिन योगाभ्यास और व्यायाम करने के साथ शिक्षा में भी पूरी मेहनत करने वाले लक्ष्य जोशी का वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। इसके लिए उन्होंने लिखित परीक्षा पास की और उसके बाद 5 दिन का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार हुआ, जिसमें उनका चयन हुआ। इसके बाद उन्होंने CPSS परीक्षा भी अच्छे अंकों से प्राप्त की है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सरदारगढ़ के विद्या निकेतन में हुई, इसके बाद तुलसी अमृत विद्यापीठ आमेट में 10वीं पास की। इनके दादा सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी हैं, जबकि लक्ष्य के पिता फार्मासिस्ट हैं, वही माता शिक्षिका हैं। इनका छोटा भाई किर्गिस्तान से MBBS कर रहा है। इतनी बड़ी सफलता के बाद वे अपने घर पहुंचे तो परिवार ने इनकी आरती उतारकर स्वागत किया। लक्ष्य जोशी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और सहयोगियों को दिया है। वहीं परिवार और कस्बे वासियों के स्नेह ने भी इन्हें प्रेरित किया। काबिलियत को निखारे, मैं अपने हिसाब से जो कर सकूँ, जो मेरे में काबिलियत है उसको निखारने के लिए, और जो मुझे लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मुझे ये काम करना चाहिए। देश की सेवा का मौका हर किसी को नहीं मिलता है और ये बहुत बड़ी बात है। तो लगन से मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर भी हुआ सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से और मेरी मेहनत से। तो उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ और आगे भी सबको गर्व महसूस कराऊँगा, पूरे देशवासियों को, मेरे माँ बाप को, परिवार वालों को और सब ग्रामवासियों को, सभी को। देश के लिए समर्पित अब जो मेरे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उसमें यही है कि अब जो भी हो देश के लिए ही हो। तो जो मुझे ऑर्डर दिया जाएगा वही मैं मानूंगा और जो मुझे सिखाया जाएगा वही मेरे लिए आगे होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है वैसे, पर मैं इसके लिए तैयार हूँ। प्रेरणा तो जो मेरे मम्मी पापा हैं वो सबसे बड़ी प्रेरणा है मेरे लिए, कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया जब मैंने इसके लिए बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि चलो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जो मेरे सीनियर्स वगैरह हैं, जो ये मैं वायुसेना में या जो भी आर्म्ड फोर्सेस में मैं देखता हूँ, तो वो मेरे लिए बड़ा इंस्पिरेशन था। क्योंकि जिस तरह से माँ ने जो एक त्याग किया है और एक जज्बा था कि एक बेटा जैसे उसमें MBBS में है, क्योंकि वो देश की इसमें जनता की सेवा के लिए, तो एक इच्छा थी कि दूसरा बेटा भी देश की सेवा करे, तो इसलिए इसको इसने ये चयन किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने अपने आप ये वाला कैरियर चूज़ किया कि ताकि दूसरे बच्चों को भी उत्साह मिले और इसमें इंस्पायर हो वो कि इस देश की सेवा के लिए इसमें कैरियर बनाए। और उरी देख के बहुत इसको इंस्पायर हुआ, ये उरी देख के ही सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ। और ये पता नहीं था कि ये वाला कैरियर चुनेगा, क्योंकि इसने मैकेनिकल में किया है BTEC। तो हम सब चाहते थे कि ये कोई अच्छी कंपनी जॉब ज्वाइन करें, लेकिन इसने जो कैरियर चुना उससे बहुत खुशी हुई, पूरे गांव को खुशी हुई। और खुशी इतनी है कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती है। और एक माँ के होते हुए दिल भी ऐसा कह रहा है कि
एक लंबे कोरोना काल और दो बार कोरोना ब्लास्ट के बाद आखिर राजसमंद के आमेट सीएचसी में कोरोना की वैक्सीन शुक्रवार को पहुंची। इस मौके पर आरसीएचओ डॉक्टर सुरेश मीणा और पीएमओ डॉक्टर सीपी सूर्या के ऑब्जर्वेशन में अस्पताल के 135 मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन पहुंचने की सूचना पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और मेडिकल स्टाफ अस्पताल पहुंचे, जहां विधिवत वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पहुंचे आरसीएचओ डॉक्टर सुरेश मीणा ने पहले पूरे अस्पताल की व्यवस्था देखी और उसके बाद वैक्सीन लगाने के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। पूरी तसल्ली और आवश्यक दिशा निर्देशों के बीच वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ। डॉक्टर सूर्या ने बताया कि वैक्सीन लगाने के पहले दौर में चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगाई गई है। जिन लोगों पर परीक्षण किया गया वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। इसके बाद राज्य सरकार के निर्देशानुसार दूसरी खेप को भी शुरू किया जाएगा। संभाग के बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों पर एक दिन की तालाबंदी के बाद सरपंच संघ की ओर से शुक्रवार को काबीना सेवक अर्जुन सिंह बामनिया को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। सरपंच संघ जिला अध्यक्ष अशोक डामोर ने काबीना से निवेदन किया कि वे इस मामले में सरकार से बात करें और उनकी समस्या का समाधान कराएं, जिससे कि ग्राम पंचायतों का विकास बिना किसी रुकावट के साथ हो सके। इस मामले को लेकर प्रदेश सेवक अर्जुन सिंह बामनिया ने भी सरपंचों को भरोसा दिलाया है कि वे मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात करेंगे और जल्द ही इसका कोई न कोई हल निकालेंगे। बताते चलें कि सरपंच संघ के सदस्यों की ओर से जिले भर की ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों पर ताला लगा करके पीडी खाता खोलने और सरपंचों के वित्तीय अधिकार सीज करने के मामले में विरोध जताया था। अभी आज ये सारा प्रकरण ध्यान में आया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और इस समस्या का निराकरण करने की कोशिश कराएंगे। इसमें समस्या क्या है? समस्या तो ये इनके कोई वित्तीय पावर का है, जो पीडी अकाउंट में अकाउंट खोलने की बात है तो इनकी जो भी समस्या है उसका पूरा फाइनेंस से चर्चा करके इनकी मदद की जाएगी। आज हमने हमारे पंचायतों का जो पीडी अकाउंट सीधे वित्त विभाग द्वारा खोलकर पीडी अकाउंटों में जो हमारा पैसा हमारे पंचायत खातों में जो आ रहा था उसको ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया राजस्थान सरकार चला रही है, उस संबंध को लेके आज हमने हमारे उदयपुर संभाग के जनजाति विकास मंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन देकर उनको अवगत कराया है, उनसे निवेदन किया है कि राजस्थान मुख्यमंत्री जी को आप जाओ और हमारी इन समस्याओं के समाधान के लिए जल्दी से जल्दी निराकरण कराओ। अगर हमारी समस्याओं का निराकरण जल्दी से नहीं किया जाता है सरपंच संघ बांसवाड़ा आगे और उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है। संभाग के बांसवाड़ा जिले में कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण लगातार जारी है। शुक्रवार को भी राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल में कुल 78 चिकित्सा कर्मियों का वैक्सीनेशन किया गया। आपको बता दें कि अब तक महात्मा गांधी अस्पताल में कुल 386 कर्मचारियों को वैक्सीन लगाया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर हीरालाल तबियार ने बताया कि टारगेट के अनुसार कुल 67% चिकित्सा कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक एमजीएच बागीदरा, कुशलगढ़ और आनंदपुरी में ही टीकाकरण हो रहा था, पर अब 4 नए स्थान और शुरू किए गए हैं। इनमें छोटा डूंगरा, छोटी सरवन, घाटोल और प्रतापपुर में सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बागीदोरा में जितना भी टारगेट था वो पूरा हो चुका है। पड़ोसी राज्य गुजरात के सूरत जिले की घटना में घायल हुए लोगों का अब बांसवाड़ा पहुंचना शुरू हो गया है, जिनका महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। महात्मा गांधी अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार देव का निवासी नर्दू नाम की महिला को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जिसके सिर व अन्य जगह पर कई गंभीर चोटें आई हैं। घटना के चश्मदीद रहे संजू ने बताया कि वह थोड़ी दूर पर सो रहा था, इसलिए उसकी जान बच गई, जबकि एक अन्य घायल बड़ा डूंगरा निवासी पिंका को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जो कि सूरत हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की स्थिति गंभीर है क्योंकि दोनों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। हिसार सिकंदराबाद यात्री ट्रेन में सवारियों से हुई लूटमार, आबू रोड से मारवाड़ जंक्शन के बीच हुई वारदात, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत, कई जगह मुकाबला सीधा तो कई जगह फंसा पेच। राजसमंद के लक्ष्य जोशी एयरफोर्स में शामिल, सरदारगढ़ में हुए आतिशी स्वागत, सफलता के श्रेय माता पिता और गुरुजन को दिया। और वित्तीय अधिकार छीन जाने पर सरपंच हुए लामबद्ध, जगह जगह पंचायतों पर तालाबंदी कर जता रहे हैं विरोध।
एटीएन उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम अंचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज। नमस्कार।